जी दोस्तों, तो आज हम करने लगे हैं विल और वुड के बीच का डिफरेंस। टॉपिक बहुत ही सिंपल है लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है जव्वाद जलाल, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, विल और वुड के यूजेस को हम के अंदर करेंगे। पहला पार्ट है कि हम विल को यूज करते हैं फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए, प्रिडिक्शंस देने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इंटेंशंस बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं, एक्सपेक्टेशंस का इजहार करने के लिए हम विल यूज करते हैं, और इसके अलावा कमिटमेंट्स करने के लिए हम विल यूज करते हैं। प्रिडिक्शन, पाकिस्तान विल विन द मैच। इंटेंशंस, आई विल स्टार्ट 5 times प्रेयर्स फ्रॉम टूडे। एक्सपेक्टेशंस, आई विल क्लियर माई एग्जाम्स दिस टाइम। कमिटमेंट्स, आई विल बी विद यू इन योर हार्ड टाइम। तो दोस्तों, अब देखते हैं वुड के यूजेस। वुड सिंपल विल की पास फॉर्म है। तो जो सेंटेंसेस अभी हमने विल के साथ बनाए हैं उनको हम वुड के साथ देखते हैं। मैंने ऊपर कहा था पाकिस्तान विल विन द मैच, इसको पास्ट में कैसे बोलेंगे? वुड के साथ। पाकिस्तान ने जीतना था लेकिन जीता नहीं। आई थॉट पाकिस्तान वुड विन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई डिसाइडेड आई वुड स्टार्ट 5 times प्रेयर्स। अगली एग्जाम्पल, आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट आई वुड क्लियर माई एग्जाम्स दिस टाइम। अगली एग्जाम्पल, यू प्रोमिस्ड मी दैट यू वुड बी विद मी इन माई हार्ड टाइम्स। तो दोस्तों, आपने देखा कि वही सेंटेंसेस जो हमने फ्यूचर में विल के साथ बनाए थे, उन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में हमने वुड के साथ यूज कर लिया। अगला यूज है दोस्तों, रियल कंडीशंस के साथ हम यूज करते हैं विल, और अनरियल कंडीशंस के साथ हम यूज करते हैं वुड। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इस पर आपको मेरी पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। कंडीशनल टाइप 0, कंडीशनल टाइप 1 के ऊपर एक वीडियो है, और कंडीशनल टाइप 2 और कंडीशनल टाइप 3 के ऊपर दूसरी वीडियो है। दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, आप देख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। रियल कंडीशंस वो होती हैं जो पॉसिबल होती हैं या जिनके चांसेस हाई होते हैं होने के। रियल सेंटेंसेस वो होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल होते हैं या उनके चांसेस हाई होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं पूरी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगा। इफ यू लाई अगेन आई विल नॉट टॉक टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर होल लाइफ। ये एक रियल कंडीशन की एग्जाम्पल है। अनरियल कंडीशन की एग्जाम्पल, अगर मुझे फर्स्ट प्राइज लग गया तो मैं दुबई में एक घर खरीदूंगा। इफ आई वॉन्ट फर्स्ट प्राइज आई वुड बाय अ हाउस इन दुबई। एक यूज दोस्तों इसका यह होता है। अगला वुड का यूज होता है जब हम इमेजिनरी सिचुएशंस की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे, यू वुड लुक मोर हैंडसम विद योर न्यू हेयर कट। तुम अपने न्यू हेयर कट के साथ ज्यादा हैंडसम लगोगे। तो ये मेरी इमेजिनेशन है कि तुम न्यू हेयर कट के साथ ज्यादा हैंडसम लगोगे। एक और एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। What would you do if you were rich? अगर तुम अमीर होते तो तुम क्या करते? ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, हमने इसके साथ वुड किया। एक और एग्जाम्पल इसी से कनेक्ट करके देखते हैं। If I were rich, अगर मैं अमीर होता, I would buy a house, मैं एक घर खरीदता। I would buy a car, एक कार खरीदता। I would buy an aeroplane, मैं एक हवाई जहाज खरीदता। I would spend my holidays इन थाईलैंड। तो दोस्तों, जो इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं उनको बोलने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगला यूज है, विल और वुड को हम परमिशंस लेने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे, विल यू पास ऑन द रायता प्लीज, या वुड यू पास ऑन द रायता प्लीज। ये एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो रायता रखा हुआ है, क्या वो मुझे पास कर देंगे। इसी तरीके से, Will you share your desk with me? या would you share your desk with me? क्या आप अपनी टेबल या डेस्क मेरे साथ शेयर करेंगे? फाइनल यूज है इसका कि हम सिचुएशन को पोलाइट करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे,
he would be half an hour late for the class. कि वो क्लास के लिए आधा घंटा लेट हो जाएगा. बात ऐसी थी कि टीचर को गुस्सा आए, लेकिन मैंने वुड के साथ इस्तेमाल किया, यानी कि सिचुएशन को पोलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया, तो मैंने वुड यूज किया. इसी तरीके से व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर, आप रात के खाने में क्या लेना पसंद करेंगे. तो दोस्तों जब आप पोलाइट तरीके से स्टेटमेंट देते हैं तो आप विल की जगह वुड यूज करते हैं. तो दोस्तों ये पांच डिफरेंसेस थे विल के और वुड के जो हमने आज डिस्कस किए. उम्मीद करता हूं आपके बहुत अच्छे से समझ आएंगे सारे यूजेस. अल्लाह ने के बारे में.